बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम सामईन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी लाइफ के मज़े ले रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने हर मामले में, हर काम में अल्लाह की तरफ से फतह और नुसरत, कामयाबी, रहमत और बरकत चाहते हैं, तो इसके लिए सूरह नसर का एक बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसके अंदर जिक्र भी फतह का और कामयाबी का है। ये आपने ज़िलहज्जा के किसी भी जुमा से शुरू कर सकते हैं और पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, मतलब ज़िलहज्जा के जुमा से शुरू करना है और हर जुमा को फिर करते रहना है। तो आपने इस अमल को इब्तदा ज़िलहज्जा के जुमा से करनी है। तो करना आपने ये है कि जुमा वाले दिन सिर्फ एक तस्बीह 100 मरतबा सूरह नसर की अव्वल आखिर 11 बार दुरूद के साथ पढ़नी है। अब ये आपकी मर्जी, ये जुमा की नमाज से पहले पढ़ें या जुमा की नमाज के बाद, मतलब फजर से लेकर मगरिब तक किसी भी वक्त आप ये पढ़ सकते हैं। और इसके पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे कि या अल्लाह, मैंने जिस मकसद के लिए ये सूरत पढ़ी है, मकसद तो आपके जहन में होगा, यानी किसी भी कामयाबी के मुतालिक है, कारोबार में कामयाबी, बच्चों की कामयाबी, रिश्ता में कामयाबी, कोई ऐसी मुश्किल हाजत है जो पूरी नहीं हो रही उसकी कामयाबी, मतलब किसी भी जायज कामयाबी के लिए आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह, मेरी इतनी ताकत थी, आपसे मांगा है मैंने, तौफीक तूने देनी है, मेरे इस काम को पूरा तूने ही करना है। ये दुआ मांगे दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। इसको हर जुमा पढ़ने की रूटीन बना लें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका काम तो इंशाअल्लाह ताला एक दो जुमा में ही हो जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो अमल छोड़ सकते हैं। अगर आपने इसकी रूटीन बना ली तो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी आपके करीब नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हमें इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।